असलम डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शायद सर एजुकेशन पॉइंट बेटा दिस क्लास इज फॉर बी जी सिकस्थ सेमस्टर एंड माय डियर सब्जेक्ट इज एजुकेशन एंड द टॉपिक टूडे इज़ यू कैन क्लियरली सी ऑन द बोर्ड इट इज़ ऑबजेक्टिवज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन Very simple and very easily, I will make you understand what are the beautiful objectives and where we need. स्टडी पॉपुलेशन एजुकेशन तो जुड़े रहे अपने सर के साथ तो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल का जो वीडियो है कल का लेक्चर जो है कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब क्या है और इंपॉर्टेंट कोर टर्म्स हमने आपके साथ डिस्कस की वही कोर टर्म्स आप रिपीटडली देखोगे जितने भी मैं लेक्चर्स आगे लेकर आऊँगा तो उनमें ये डेफिनेशन जो है जो मैंने कोर कॉन्सेप्ट बताए थे आपको वो अक्सर रिपीट होंगे समझ आ गए बेटा तो चलिए बेटा

ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या ये सही है देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं चलिए ओके हियर वी आर माय डियर तो यू कैन इजीली सी सो सम ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेशन आर डिस्कसड एज अंडर ओके नाउ द फर्स्ट वन फर्स्ट वन यू कैन सी व्हाट इज फर्स्ट वन नॉलेज एंड अवेयरनेस सो सिंपल अगर आप लोगों ने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा कि उसमें हमने कहा कि पॉपुलेशन एजुकेशन जनरली ये अवेयरनेस प्रोग्राम है है ना बेटा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बहुत सारे मतलब कंट्रीज़ के जो अपनी गवर्नमेंट होती है वो लोगों को अवेयरनेस अवेयर कराती है कि भाई पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए तो क्या मसला आ सकता है समझ आ गया तो क्या क्या चीजें आपको देखनी होगी तो लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव व्हेन पॉपुलेशन विल इंक्रीज ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू प्रोवाइड शबाश टू प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद एक्यूरेट एंड कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इशूज़ ये तो मैं बात कर रहा था कि पॉपुलेशन अगर इनक्रीज़ होगी तो कौन कौन से इशूज़ होंगे रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट लोगों को क्या करना है हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी है और लोगों को अवेयर करना है ठीक है इंक्लूडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ अभी तो हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो इससे फ्यूचर में क्या होगा तो इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे हमें लोगों को अवेयर कराना है हमें लोगों को नॉलेज देनी है समझ आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्लूडिंग क्या क्या पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन एंड देर इंपैक्ट ऑन वेरियस लाइफ आई होप बेटा यह पहला ऑब्जेक्टिव समझ आ गया देखो वल्ल बहुत ही सिंपल और क्लियरली आपको यह समझ आना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट बिग डील फॉर यू यू नो इट वेरी वेल बट आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि भाई शायद सर क्या बोल रहा है समझ आ गया तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव माय डियर शाबाश फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे साथ पढ़ो वेरी गुड नॉलेज एंड अवेयरनेस यार ये तो आप आराम से लिख सकते हो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा वैसे तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि आप कमेंट करो एनीवेज अगर आपको समझ वाकई आता है तो लाइक दिस वीडियो शेयर एज मच एज पॉसिबल और अगर अभी तक चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नंबर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं अगर हम पॉपुलेशन एजुकेशन से अगर लोगों को अवेयरनेस मिलती है लोगों को नॉलेज मिलती है तो उनके बिहेवियर में भी आप चेंजेस देखने को मिलेंगे है ना तो यहां पे और एक पॉइंट है और एक ऑब्जेक्टिव है रेस्पॉन्सिबल uh, बिहेवियर देखो बेटा ये पॉइंट भी आराम से आप नोट no डाउन करेंगे टू प्रोमोट रेस्पॉन्सिबल एंड इंफॉर्म डिस्ट making right regarding reproductive health family planning and population related choices okay my dear so this is the responsible behavior any when you when, when you have a knowledge when you have awareness related to the uh, population uh, you know population growth population distribution jab no concept art आएगा कि पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो क्या क्या चीजें हो सकती है तो इंटर्न आप वापस रेस्पॉन्स दोगे आपको आप यू यू विल मेक योर सेल्फ you know, uh, responsible and you will be, you will get informed related to decision making, uh, related to reproductive health, related to family planning and uh, population related choices. ye hope possible, i will in kabar make decisions decision, kab related to reproductive health, decision is related to family planning, uh, decision is related to the uh, population related choices. when you have awareness and knowledge of what population education, i hope

पॉपुलेशन रिलेटेड चॉइसेस। आई होप बेटा दूसरा ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ आ गया आ गया कि नहीं है ना सिंपल बहुत सिंपल है यार चलिए ओके नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव चल दे ये पॉइंट भी हमने uh, बेटा डिस्कस किया है अगर आप लोग वाकई चैनल पे मतलब मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको इस, इस वाले लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी इनशाला चलिए भाई नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जेंडर इक्वेलिटी यस दैट्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट देखो टू फॉस्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू फॉस्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ शबाश जेंडर इक्विटी एंड एम्पावर इंडिविजुअल्स पर्टिकुलरली वुमेन ओके बाई एड्रेसिंग इशूज रिलेटेड टू जेंडर रोल्स रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर नहीं ये इट्स इट इट लाइक ए डिस्क्रमिनेशन अमंग मेल एंड फीमेल हम ज़्यादा प्रियोरिटी मेल्स को देते हैं और फीमेल्स को प्रियोरिटी नहीं देते हैं फीमेल्स को एम्पावर करना है रिलेटेड टू सो मेनी इश्यूज दैट यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किए रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव राइट्स रिलेटेड टू द एजुकेशन है ना पॉपुलेशन एजुकेशन में खाली डोंट थिंक कि पॉपुलेशन एजुकेशन खाली फोकस करता है किस पे फैमिली प्लानिंग पे नो 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 माय डियर इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट माय डियर इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट इट ऑन इट डज नॉट ओनली फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग बट देयर आर सो मेनी थिंग्स like reproductive health is there your health and overall health and well-being is there how you will uh, take uh, you know decisions related to your health huh? uh, many things are there. तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी जो है ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन एजुकेशन का कि हमें फॉस्टर करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इक्वलिटी तो जेंडर इक्विटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वट वॉट वी कॉल्ड एज पॉपुलेशन एजुकेशन एंड नेक्स्ट पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेजेंटली कितना इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये भी इंपॉर्टेंट टू रेज अवेयरनेस देखो भाई टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन पॉपुलेशन डायनेमिक्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंकरेजिंग इंडिविजुअल टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड कंट्रीब्यूट टू अ मोर बैलेंसड एंड हारमोनीस सोसाइटी देखो भाई सिंपल सी बात है व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज जो भी रिसोर्स है इम्पैक्ट तो पड़ेगा तो मोर द पॉपुलेशन मोर इज़ द एन्वायॉर्मेंटल कंसर्नज राइट तो एनवायरमेंट डिग्रेड uh, हो सकता है लेकिन हमें ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ को भी अच्छी तरह से देखें तो एजुकेशन पॉपुलेशन एजुकेशन इज लिंकड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ आया यहाँ पे देख सकते हो ना कि रिलेशनशिप बिटवीन लोगों को अब अवेयर कराना है कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है तो एनवायरमेंट एफेक्ट होगा डेफिनेटली अगर हम आज से सौ साल पहले की बात करेंगे तो एनवायरमेंटल कंसर्नस जो थे वो बहुत ही कम थे लेकिन आज अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है एनवायरमेंटल कंसर्न ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि अब लोगों को एजुकेट कराना है अवेयर कराना है नॉलेज प्रोवाइड करनी है कि भाई क्या हो सकता है व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो एनवायरनमेंट पे कितना असर होगा सोशल लाइफ पे कितना असर होगा इकोनॉमिक लाइफ पे कैसे कितना असर होगा तो ओवरऑल दियर इज सस्टेनेबिलिटी अनसस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ सकता है तो ये अनसस्टेनेबिलिटी भी ना हो यू हैव टू प्रोवाइड पॉपुलेशन एजुकेशन समझ आ गया तो यही चीज़ है कि हमें एक बैलेंसड वे में रहना है सोसाइटी में तो ये कब पॉसिबल है व्हेन पीपल आर एजुकेटेड समझ आ गया उसके लिए क्या है पॉपुलेशन एजुकेशन इज देयर तो सिंपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वन मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट पॉपुलेशन एजुकेशन

To promote the recognition and protection of human rights, including the rights of individuals to make decisions regarding their reproductive health. Again, repetition, my dear. Again, repetition. Here is reproductive health, -gaya. education ka concept, -gaya. and हेल्थ केयर एंड लिव फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इनक्वालिटी तो डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर ये भी बाई ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन एजुकेशन के बहुत सारे बच्चों को ये नोशन है कि पॉपुलेशन एजुकेशन इज ऑल अबाउट द फैमिली प्लानिंग नो माइंडिया इट इज़ नॉट इट इज़ वन ऑफ द ऑबजेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन बट There are many more points to discuss. लेकिन यहाँ पर मैंने पांच पॉइंट्स को हाईलाइट किया और मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन्हीं पांच पॉइंट्स को फोकस करोगे और यही आप पेपर में लिखोगे तो आपको Uh, अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं चलिए तो दीज आर द फाइव ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव डिस्कसड तो चलिए जल्दी जल्दी से हम इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन की ओर आएंगे और यहाँ पे भी मैंने हाईलाइटेड uh, पॉइंट्स लिखे हैं तो ये आप खुद लिख सकते हो देर इज़ नो इश्यू एट ऑल माई डियर तो देखो अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन की बात करेंगे तो पहला है एम्पावरिंग इंडिविजुअल यार अभी तो हम बोल रहे थे इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना है ना इन ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट बढ़ना राइट तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हो कि पॉपुलेशन एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज इट हेल्पस इन एम्पावरिंग द इंडिविजुअल्स नंबर सेकंड इज पॉपुलेशन एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग अमंग द इंडिविजुअल्स तो वैन यू गो थ्रू द पेजेस ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेशन वेन यू नो द द ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन डेफिनेटली ये प्रमोट कर सकता है हेल्थ एंड गॉट द पॉइंट वेरी गुड एंड अनदर इट हेल्पस एन एनहेंसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइट वेरी इंपॉर्टेंट अगर अगर हमें नॉलेज होगी ना पॉपुलेशन एजुकेशन की तो रियली देर विल बी ग्रोथ इन द सोशल लाइफ एज वेल एज इकोनॉमिक लाइफ सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नंबर थर्ड इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे मैंने कहा ना कि रिपीटेड ओके तो सस्टेनेबल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी Because of what? Because of population education. So, population education will help us in achieving what? Environmental sustainability. All right? ओके एंड अमन अनदर इज इंश्योरिंग सोशल जस्टिस ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे तो इसका मतलब है रिपीटेड 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 टर्म्स है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एक क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपका कॉन्सेप्ट दूसरे टॉपिक पे ऑटोमेटिकली आएगा आई होप बेटा यहाँ तक क्लियर है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि वट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर वैन यू आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट वाट ऑब्जेक्टिवज़्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन ओके थैंक यू मे अल ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग